जी स्टार्ट कर दीजिए। आत्म बंधन मास्टर्स ध्यान सागर के एक सामूहिक ध्यान सत्र में आप सभी का स्वागत है। फिर से वेलकम करते हैं। जो एटलीस्ट मुझे तो काफी कल से एक्साइटमेंट था, कल का स्वाध्याय सुनने के बाद। ये पूरा दिन किस तरह से निकाला मुझे ही पता है, तो मुझे मैं आई एम वेरी मच एक्साइटेड जिगना मैम को सुनने के लिए। उनके साथ ध्यान में जुड़ेंगे और उसके साथ साथ उनका स्वाध्याय ग्रहण करेंगे। मैम थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ अस एंड वेलकम मैम। थैंक यू सर, आपको ठीक है। तो पहले हम ध्यान के मैं अनम्यूट कर लीजिए। धन्यवाद सर, अनंत कोटि धन्यवाद आपका सर। आत्मवंदन। तो पहले हम ध्यान से जुड़ेंगे और फिर हम ध्यान पे अग्रसर होंगे, ठीक है। तो पहले आरामदायी एक स्वस्थ अच्छे थॉट के साथ पोजीशन ले लेंगे। एक गहरी सांस लेंगे, आंखों को एकदम धीरे से बंद करें। एक गहरी सांस लेंगे, उसे बाहर करें। फिर से गहरी सांस, बाहर करें। और एक गहरी सांस लेंगे, हाथों और पैरों की उंगलियों को फंसा देंगे और एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सभी ध्यानी और ज्ञानी मित्रों और सभी मित्रों के माता पिता, सभी का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हम सभी, हमारे कांटेक्ट में जितने भी फोन नंबर है, वो सभी को एक बार विजुलाइज करेंगे और सभी के साथ बड़े प्यार से एक गोल्डन पिरामिड के नीचे ध्यान की पोजीशन में बैठ जाए। हम हमारे विचारों का शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने हमें 35 मिनट्स ध्यान में रहने का मौका दिया। अभी हम हमारी पूरी शरीर को शांत करेंगे और फिर सिर्फ सांसों पे ध्यान दें। हमारे पैर, पैर की उंगलियां, एड़ी, हमारे पांव, घुटने और हमारी थाइस एकदम शांत और रिलैक्स हो चुके हैं। ये सभी अंगों में एक बार हमारी चेतना डालें और उसे बहुत सारा प्यार। हमारा पेट,
पेट के अंदर के सभी अंग और उपांगों को शांति महसूस करने का यह मौका मिला है। हमारी उंगलियां, हाथ, भुजाएं, कोहनी, हमारा गला और हमारी पूरी बैक साइड एकदम रिलैक्स हो चुकी और ये शांतता का अनुभव कर रहे हैं। हमारा मस्तिष्क उनके अंदर की सभी जी, स्टार्ट कर दीजिए। आत्मबंधन मास्टर्स ध्यान सा सांसों को ध्यान रखें,
हमारे गुरु हैं। इस टॉपिक के साथ की कल्याण के लिए ही पृथ्वी पर आया है। Thank you.
संस्कृति भगवान जहां मैं हम जिसे बाहर ढूंढ रहे हैं गहराई में है, वो मैं वो शाश्वत अमर हूँ। सकारात्मक ऊर्जा हमारे ब्रह्म रंध्र से हमारे पूरे शरीर में फैलती है। शरीर के सभी अंग ऊर्जा से भर चुके हैं। सभी आपकी अनंत शक्ति आपकी आध्यात्मिकता सभी के मस्तिष्क करने के लिए आपका धन्यवाद है।
हमारे अंतर मन में, हमारी आत्मा में गया है। हमें जब भी इस ज्ञान की जरूरत है प्रकाशित हो चुका है, ज्ञान का धन्यवाद है। हम सभी ने रॉबर्ट सर के पास से इस बुक के द्वारा प्यार महसूस किया है। आज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है मीडियम प्यार फैला रहे हैं। हमारे प्यार है बहुत ज्यादा मन प्यार की ऊर्जा हमारे हृदय पर पहुंच गई है। हमारी दिव्य चेतना को हमारे हृदय के पार तक लाने की कोशिश कीजिएगा। जैसा दिव्य प्रेम हुआ है प्यार की ऊर्जा हमारे जो होते वापस हमारे हृदय तक आ गई।
प्यार हृदय में बैठ इस ध्यान के लिए सभी व्यक्ति सभी वस्तुएं इस सुंदर वातावरण हमारे पास प्रचुर मात्रा है वो धन जो अपना व्यक्ति सम्मान शुक्रिया अदा करते हैं हमारे विचारों और हमारी सांसों का दिल से धन्यवाद कर रहे हैं कि हमारा स्वस्थ शरीर ज्ञान के योग्य है जो ज्ञान के लायक है उसका शुक्रिया अदा करें धन्यवाद और ये प्रेम के साथ हम धीरे धीरे हमारे भौतिक शरीर में वापस आने की कोशिश कर रहे हैं हमारे हाथों की उंगलियां और पैरों की उंगलियां को थोड़ा सा हिलाएंगे उंगलियों को आंखों पे रखेंगे और हथेलियों भी उन्होंने आंखें खोलेंगे फाइव फोर थ्री टू वन जीरो उसी में आपके खुलेंगे हथेलियां हटाएंगे तालियों बजाकर पूरे ब्रह्मांड में ये ऊर्जा फैलाएंगे आई लव माई सेल्फ आई लव माई सेल्फ आई रियली लव माई सेल्फ थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैं पूरे टीम का और सभी ध्यानी ज्ञानी मित्रों का दिल से धन्यवाद करती हूँ इस ध्यान में मुझे सहकार देने के लिए और अपने आत्मा की उन्नति के लिए धन्यवाद 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 ओवर टू यू सर आगे के सत्र के लिए ज्ञान सत्र के लिए जैसे कल चिन्ना मैम ने इतने इतने सरलता से जो अपने शब्दों में उन्होंने कल हमें समझाया हमारी इस यात्रा के बारे में तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं तो यस चिन्ना मैम आगे हम ज्ञान लेने के लिए हम सब तैयार हैं सब एकदम अच्छे शांत स्थिति में हैं ज्ञान लेने के लिए सभी तैयार हैं धन्यवाद मैम धन्यवाद सभी ज्ञानी मित्रों का एक बार फिर से स्वागत है ज्ञान मंच पे तो फ्रेंड्स कल हमने देखा कि रॉबर्ट सर को कुछ ऐसा लग रहा था कि मेरा ऊपर के वर्ल्ड के साथ कुछ कनेक्शन है स्पिरिट वर्ल्ड के साथ मेरा कुछ कनेक्शन है तो उन्होंने पमेला करके एक जो मीडियम था उनके साथ जेशुआ का चैनलिंग करवाया था और थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स पूछे थे आज वापस हम लोग वही कंटिन्यू करने जा रहे हैं तो कल सर ने बताया कि उसकी बॉडी पे एक काली सी परत दिख रही थी तो सर ने तभी सोचा कि ये क्या होगा तो उन्होंने गूगल पे सर्च किया तब उनको पता चला कि ये इथरिक प्लूडियम है हम सभी में
हम जब रात को सो जाते हैं और हम गहरी नींद में होते हैं तो हमारा सूक्ष्म शरीर ऊपर ट्रैवल करने जाता है। वहां हम लोग बहुत सारे काम करते हैं, जैसे कि कोई बाढ़ या कोई ऐसी परिस्थिति सर्जाई हो तो हम वहां सांत्वना देने जा सकते हैं, हम हमारे जो स्वर्गस्थ है उसे मिलने जा सकते हैं, फिर ध्यान की परिस्थिति का अनुभव और सब डायमेंशन में क्या है वो सभी लोग सूक्ष्म शरीर लेके रात को यात्रा करते हैं, और जब बॉडी यात्रा करके वापस आ जाती है तो उनका वाइब्रेशन थोड़ा हमारी बॉडी से हाई होता है, तो हमें नींद में पता नहीं चलता है पर जो जागरूक अवस्था में होते हैं उन्हें पता चलता है कि मेरी बॉडी वापस मेरे शरीर में आ गई, और हमारा सूक्ष्म शरीर जो हमने ये प्री बर्थ प्लान बताया उसमें भी जाके प्लान बनाते हैं। अभी मैं भौतिक शरीर में हूँ, अगर किसी ऊपर व्यक्ति है, एक सोल है जो प्लान बना रही है वापस उन्हें नीचे आना है, तो उस प्लान में सपोज उनको मुझे शामिल करना है तो मेरी आत्मा ट्रैवल करके वहां जाएगी और उसे हाँ करेगी कि हाँ आप जब नेक्स्ट बर्थ में आओगे तो मैं आपका साथ दूंगी। इतना सारा काम हम लोग करके आते हैं पर हमें नहीं पता है कि यूनिवर्स कैसे कैसे काम करता है। यूनिवर्स में जो भी घटित होता है उसमें से सिर्फ 1% चीजें ऐसी होती है जिसे हमारा भौतिक मगज समझ पाता है, 99% चीज ऐसी रहस्यमयी है जिसे इस भौतिक दिमाग से समझना भी काफी मुश्किल काम है। तो ऐसे हम लोग यात्रा करके आते हैं तो वो जो बॉडी में फ्लूइडियम दिखा सर को वो तुरंत उसके आ जाने से होता है और वो वाइब्रेशन मैच नहीं होते हमारी बॉडी से, इसकी वजह से सर को वो अनुभव हुआ था। आगे सर ने क्वेश्चन पूछा है कि हमारी बॉडी यानी मेरी पर्सनालिटी को जो तकलीफ होती है और आत्मा को जो तकलीफ होती है, फिर भी आत्मा ऐसे प्लान बनाती है कि अभी अभी मेरी बॉडी को कुछ समझो कि मुझे डिजीज है तो मेरी बॉडी में पेन रहेगा, तो हमें लगता है कि क्या बॉडी को पेन है और आत्मा को सब अनुभव चाहिए, क्या ऐसा होता है? तो जीशुआ कहते हैं नहीं, जितना सफर आप कर रहे हो आपकी बॉडी पर्सनालिटी कर रही है उतना सफर आत्मा कर रही है, आत्मा ऊपर से आपको देख नहीं रही है या आपकी बाजू में बैठ के आपकी परेशानी नहीं देख रही, वो भी सफर कर रही है पर वो सोचती है कि इसके बाद में जो रिजल्ट मिलेगा वो मेरा अनुभव होगा, और मैं क्या सोचती हूँ मेरी पर्सनालिटी सोचेगी ये जो पेन हो रहा है वही मेरा अनुभव है। तो आत्मा और पर्सनालिटी में एक डिफरेंस है कि हमें ऐसा ही लगता है कि बस ये मेरे साथ घटित हो गया है, जब आत्मा सोचती है ये मेरे साथ घटित होगा अभी जो उसका परिणाम आएगा उससे मुझे अनुभव मिलेगा और उससे मेरी उन्नति है मेरा प्रोग्रेस, तो हम लोग ये दो द्वंद्व परिस्थिति में आ जाते हैं, हम हमारे आत्मा से फाइट करते हैं कि जब जिसे पता रहता है कि ये प्री बर्थ प्लानिंग है। तो आगे बोलते जेशुआ कि हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती है, लालसाएं होती है, भौतिक जगत में है तो थोड़ी बहुत कंपटीशन और वगैरह रहता है, तो हम सोचते हैं मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए मुझे वो चाहिए, तो ब्रह्मांड क्या करता है वो चीजें लाने में हमें मदद करता है, तो जो चीज हमें चाहिए उसके लिए हमें थोड़ी सी तकलीफ भी उठानी पड़ती है, हर चीज ऐसी इजी नहीं मिल जाती है, तो वो जो तकलीफ होती है तो हम समझते हैं कि ये आत्मा का प्लान है पर एक्चुअली वो आत्मा का नहीं, वो हमारे भौतिक जगत का प्लान था। तो जो ये डिफरेंशिएट है ना वो समझना बहुत जरूरी है कि क्या मेरी आध्यात्मिक उन्नति के लिए हो सकता है और क्या मेरी भौतिक जगत के लिए हो सकता है, आत्मा उसे भी ये जो प्लान है उसमें भी हमें मदद करती है, वो हमें ना नहीं बोलती है, और आत्मा की सबसे बेस्ट बात ये होती है कि वो ऑलवेज हमें मदद करने के लिए रेडी रहती है, हमें वो ज्यादा करके सभी बातों में गाइड करती है स्पिरिट गाइड के द्वारा, और यहाँ पे हमारी फ्री विल है, हमें जैसा करना है वो कर सकते,
हमने जो प्लान ऊपर बनाया है और उसके अकॉर्डिंग अगर हमें नहीं चलना है तो हम वो भी कर सकते हैं। आत्मा तो भी हमारा साथ देती है, क्योंकि आत्मा है ना पर्सनालिटी का बहुत ज्यादा पर्सनालिटी की रिस्पेक्ट करती है। जैसे कि मैं अभी हूँ और मैं मैम को बोलूँ कि मैम मैं कैमरा ऑन रखना नहीं चाहती हूँ, मैं बंद कैमरे में बोल दूँ, अभी एज ए स्पीकर मुझे कैमरा रखना बहुत जरूरी है, पर मैम मुझे नहीं बोलेगी कि नहीं जिगना आप ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैम मेरी रिस्पेक्ट कर रही है। तो जो कभी कभी चीजें गलत होती है फिर भी आत्मा आत्मा को पता है कि ये उसकी उन्नति के लिए नहीं है, पर वो मेरी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं तो मुझे कभी भी कुछ भी नहीं करना। और ये जो प्लान है मैंने ऊपर बनाया था उसके अकॉर्डिंग में अगर नीचे नहीं चल रही हूँ तो मुझे ऊपर जाके भी कोई पनिशमेंट नहीं है। मैं ऊपर बोल रही हूँ मेरी अकॉर्डिंग ऊपर है, आप इसे कुछ भी समझ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ऊपर जाके मुझे पनिशमेंट मिलेगी। मैंने ये टाइम सोचा कि मैं मोर यानी पिकॉक मुझे ड्रॉ करना है नीचे जाए। अगर मैं नीचे आई और भौतिक जगत में यहाँ से वहां और एंजॉय किया वापस चल दिए तो मेरा पिकॉक सीखना अधूरा रह गया। तो आत्मा ऊपर जाके स्पिरिट गाइड या मुझे मास्टर कोई भी नहीं बोलेगा कि जिज्ञा तूने ये क्या किया, वो बोलेगे वापस जाओ आराम से सीखो वापस आओ। तो ये क्या होगा मेरे मुझे बहुत टाइम आना पड़ेगा बहुत टाइम जाना पड़ेगा। तो इसके लिए ध्यान बहुत जरूरी है कि ध्यान से हमें पता चलता है कि हमारा मकसद क्या है। और मकसद हमेशा आध्यात्मिक ही होता है। इन्होंने और एक क्वेश्चन पूछा है कि जागरूकता गैर आध्यात्मिक हो सकती है, यानी किसी चीज में मैं जागरूक हूं पर वो आत्मा के लेवल पे नहीं है तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो येशुआ कहते हैं नहीं, वो लीगल नहीं है। हम किसी भी गैर आध्यात्मिक मार्ग पे जागरूक हुए तो वो प्रॉपर नहीं है। जैसे कि मुझे अभी यहाँ पता चला कि ये इंसान मुझसे बदला लेना चाह रहा है, तो आत्मा के हिसाब से अभी उसका कुछ भी प्लान रहेगा पर आत्मा के हिसाब से मैं नहीं सोचूंगी अच्छा अभी मैं इनके साथ बदला ही लूंगी। मुझे यही सोचना है कि मैं जागरूक हूँ और मुझे मेरी आत्मा के अकॉर्डिंग वर्क कर। आगे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि हम लोग आलोचना करते हैं और भावनाओं को समझने में ऊपर नीचे कर देते हैं, यानी भावनाओं को समझ नहीं पाते, तो इसका क्या अर्थ है? हम ज्यादा करके कंप्लेन मोड में रहते हैं। सभी को ये ऐसी हैबिट होती है कि वो मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे मेरे हस्बैंड के साथ मेरा ये रिश्ता नहीं चल रहा है, सासू मॉम ऐसा कर रही है, या मेरी हेल्थ ऊपर नीचे है, तो हम लोग बहुत कंप्लेन मोड में रहते हैं। तो आत्माएं पहले तो ऐसा प्लान बनाएगी क्यों? विजेशुआ कहते हैं सर खुद पूछते कि मैंने ऐसा प्लान क्यों बनाया। तो सर की लाइफ में क्या इश्यू था? सर की जो मॉम थी वो बहुत ज्यादा क्रूअल थी, यानी उनका प्लान रहेगा मैं ऐसा क्रूअल नहीं बोल सकती हूँ पर वो उन्हें बहुत परेशान कर रही। तो सर बोलते ऐसा प्लान मैं क्यों चूज करूंगा कि वो बस सिर्फ मुझे परेशान ही करे। तभी जेशुआ बताते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि रॉबर्ट सर जो अभी मॉम है वो पहले जीवन काल में उनका बेटा था। अभी जो मॉम है वो पहले बेटा थी, अभी जो बेटा है वो पहले मॉम। तो वो जो मॉम है वो एक डिवोर्स में, उनने उसके हस्बैंड के साथ डिवोर्स कर दिया और अपने बच्चे को लेके अलग से रहने लगे। तो उनके पास पैसे की बहुत कमी होने लगी। तो उन्हें लगा कि काश मेरी मॉम मेरे डैड के साथ रहती तो मुझे ये सब गरीबी नहीं झेलनी पड़ती। तो उनके दिमाग में कंटिन्यू यही बातें घूमती रहती थी कि मेरी मॉम ने मेरे डैड को क्यों छोड़ दिया, मेरी मॉम ने मेरे डैड को क्यों छोड़ दिया, अब उनकी वजह से मुझे ये सब परेशानी झेलनी पड़ रही है। बस यही बात सोचते सोचते पहले उनकी मॉम चली गई और फिर वो बेटा जो था वो भी चला गया। अब नेक्स्ट दोनों ने प्लान बनाया कि अब मैं मॉम बनूंगी आप बेटे बन जाना। तो फ्रेंड्स ये पूरे लेसन में ये बहुत जानना जरूरी है
लास्ट में हमारी जो एनर्जी रहती है, हमारी जो इमोशन जिसके साथ हमारा अटैचमेंट या झगड़ा रहता है या तो गुस्से की भावना रहती है, उसी के साथ वापस प्लान करके हमें नीचे आना है। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि जिनके साथ हमें तकलीफ है, बहुत ज्यादा तकलीफ है, उन्हें जब हम लोग रात में सो जाते हैं तब खास उनसे फर्गीवनेस ले लें, क्योंकि एक बार हम लोग सो गए सपोज और दूसरे दिन उठने नहीं मिला या कुछ हुआ और शरीर यहाँ पे छोड़ना पड़ा, तो कंटिन्यू नर्सरी से वापस जाना। ये बहुत जरूरी है कि उन्होंने उनको माफ नहीं किया था, उनके लिए बहुत गिल्ट थी, तो ये टाइम पे उनकी मॉम उन्हें बहुत ज्यादा परेशान, उन्हें झगड़ा, बस उनका बदला कंप्लीट हो। क्योंकि आत्मा का एक ये भी नियम है कि मैंने आपको दुख दिया है तो आप वही दुख मुझे वापस अनुभव के तौर पे दोगे, मैंने आपको सुख दिया है तो आप वो सुख मुझे अनुभव के तौर पे दोगे। तो वो जो गिल्ट था उस बच्चे को कि मेरी मॉम ने ऐसा क्यों किया, वो सारा गिल्ट उन्होंने नेक्स्ट टाइम रॉबर्ट सर पे लिया। इनकी वजह से उनकी मॉम उन्हें बहुत क्रूल चूज करने का। तो हम तो कभी शायद फेल नहीं हुए होंगे, पर हमने देखा होगा कि 10th और 12th में जो बच्चे साइंस और मैथ्स में फेल हो जाते हैं, वही बच्चे वापस साइंस और मैथ्स की एग्जाम देंगे, जिसमें वो मास्टर है वो सब्जेक्ट वापस नहीं देना है। तो अगर मुझे मेरे हस्बैंड के साथ, मेरी मॉम के साथ, मेरे बच्चे के साथ, जिसके साथ मेरा रिलेशन थोड़ा ऐसा है, मुझे उसके साथ वापस आना पड़ेगा, तो रात को सोने के टाइम पे ऑलवेज फॉरगिवनेस कीजिएगा कि मैंने आपको दिल से माफ किया है, आप मुझे रिलीज करो, मैं आपको रिलीज कर रहा हूँ। और ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं, क्योंकि एनर्जी वर्क करती है। हम लोग कभी बोलते हैं ये तो मुंह से मीठा मीठा बोलती है पर उसके मन में मेरे लिए अच्छा नहीं है, तो जब मैं मुंह से मीठा मीठा बोल रही हूँ तो उससे कैसे पता चल गया कि मेरे मन में अच्छा नहीं है? वो एनर्जी वर्क करती है। मैं कुछ बोलूं अलग और मैं अंदर से अलग हूं, तो वो इंसान मेरी एनर्जी रिसीव कर रहा है, उसे पता चल रहा है कि ये मुंह से बोले शब्द अलग है। तो जब भी माफ कर रहा है तो दिल से कीजिएगा, ताकि वापस जब वो इंसान मिले तो वो पूरा पिक्चर कंटिन्यू होके मुझे नर्सरी से नहीं आना पड़े, जब या 40 ईयर्स है तो 40 में उनके साथ बाय बाय कर। दूसरा वो बताते हैं भावना। हमारी जो भावना होती है ना, भावना यानी क्रोध, ईर्ष्या, तो हम क्या करते हैं, जज करते हैं उसे कि अरे मुझे क्रोध आ रहा है, अरे मुझे इस पे ईर्ष्या आ रही है, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए, मैं तो आध्यात्मिक जगत में हूं, मुझे तो ईर्ष्या नहीं आनी चाहिए। तो सर जेशुआ कहते हैं ये गलत है, जब भी आपको किसी पे ईर्ष्या आ रही है, किसी पे क्रोध आ रहा है, तो शांति से बैठिए और देखिए कि क्या हो रहा है, उन्हें जज नहीं करना है, सिर्फ हमारी भावनाओं को देखना है कि ये क्या क्या कर रही है, उसके साथ लड़ना नहीं है, झगड़ना है, बस उसे बहने देना है। हम क्या करते हैं, उसे सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, उसे दबाना चाहते हैं, तो जब वो दबाएंगे तो हमें वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। हम उसे ऐसे कैसे, बच्चा थोड़ी सी मस्ती करता है तो हम ऐसे खाली देखेगी तो वो बच्चा शांति से बैठ जाएगा, तो हम खाली भावना को चेक करेंगे कि मुझे क्या हो रहा है, उसे साक्षी भाव कहते हैं, हम सिर्फ चेक करेंगे तो वो खुद चल जाएगा। आगे जेशुआ कहता है कि हमें जो आनंद और शांति का अनुभव करना है ना, वो कभी भी हमें इजी प्राप्त नहीं होगा, वो हमें हमारी भावनाओं को चेक करके उसका रिजल्ट मिलेगा। शांति वैसे कहाँ पे भी नहीं मिलती है, भावना के साथ समझने से वो शांति प्रदान होती है। तो ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि हमें हमारी अपने आप को खाली चेक करना है कि क्या चल रहा है, कुछ भी नहीं, ना तो उसे पनिश करना है, ना तो उसे जज करना है, ना तो उस विचारों के साथ आगे बढ़ना है कि ये क्या कर रहे हो, आपने ऐसा क्यों गलत सोचा, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। सबसे बड़ी बात इसे कहते हैं एक्सेप्टेंस। हमें एक्सेप्टेंस पता ही नहीं चलता है कि आगे कुछ प्रोसेस हो पाए, एक्सेप्टेंस सबसे पहला स्टेप है आगे की प्रोसेस के लिए। अभी समझो कि मैं
प्लेटफॉर्म पे 4 o'clock को आई और मेरी ट्रेन 3:55 को छूट गई है, तो मैं क्या करूँगी? हाय मेरी ट्रेन छूट गई, अरे भगवान अभी क्या होगा, मेरे मुझे तो दिल्ली पहुंचना था, मेरी तो ट्रेन छूट गई। मैं चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करूंगी कि हाँ मेरी ट्रेन छूट गई है, अभी मुझे और कोई दूसरा ऑप्शन सोचना है। तो जब तक हम थिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकेंगे, हम लोग आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो जो स्पिरिचुअलिटी में एक मेन स्टेप है वो है एक्सेप्टेंस। आगे जेशुआ कहता है कि बाहर जो भी घटित हो रहा है वो आपकी अंदर की शांति को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, वो आपकी अंदर की शांति को हिला नहीं सकता है, क्योंकि हम ही है जो हमारी शांति मेंटेन कर पाते, बाहर का कोई व्यक्ति इसके लिए हमें मदद नहीं कर सकता है। और हमारी जो बॉडी है यूनिवर्स ने बनाई ऐसी है कि वो खुद ब खुद सब कुछ कर लेती है, उसे कुछ बाहर से उपकरण नहीं चाहिए, ये करो वो करो, वो खुद ही हील हो जाती है। और इस यूनिवर्स में अनंत प्रेम है, अगर हम ध्यान करेंगे, हम ज्ञान लेंगे तो हमें पता चलेगा उस प्रेम के बारे में। तो यीशुआ कहते हैं कि यहाँ पे अनंत प्रेम पड़ा हुआ है, आप खाली महसूस कीजिए, पर हमारी आत्मा में अनंत शक्ति है, हम जो चाहे हम वो कर सकते, पर हमें क्या है कि विश्वास ही नहीं है, हम कभी ऐसा सोचते ही नहीं है कि मैं कर सकूंगी, क्योंकि मैं इतना ही जानती हूँ कि जो मैं इतनी पर्सनालिटी मेरी जिगना की है, बस मैं इतना ही पढ़ी हूँ, मैं इसके आगे नहीं जा सकती। पर नहीं, यूनिवर्स में मेरे लिए बहुत सारी चीजें हैं। एक बुक है, आस्क एंड इट इज गिवन, तो उसमें पूरा इसके बारे में समझाया है कि आप एक क्वेश्चन डाल दो, यूनिवर्स आंसर दे देंगे। तो किसी को कुछ क्वेश्चन है तो रात को डालना है कि मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे ये इंसान क्यों परेशान कर रहा है, तो थॉट के माध्यम से या फिर रात को कुछ ड्रीम के माध्यम से हमें उसका आंसर मिले, क्योंकि यूनिवर्स में अबंडेंस है। उसके पास जो धीरू भाई जितने रिच है ना, उतने सभी हमको रिच होना है ना, तो हम सभी उतने रिच हो सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्स के पास अबंडेंस है, पर हमारी सोच लिमिटेड है। अरे ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा, ये मैं वहां नहीं जा सकती हूँ, तो ये जो हमारी सोच है ना वो लिमिटेड है, और यूनिवर्स में बहुत अबंडेंस है। तो हम जब भी ये थॉट प्रोसेस है, हम जब भी सोचे तो बड़ा सोचे, सोचने में क्या प्रॉब्लम है, जब भी सोचे तो अच्छा सकारात्मक सोच। आगे कहते हैं कि अभी जो वर्ल्ड में 3D चल रहा है, यानी अभी हम लोग सभी 3D से 5D पे आ रहे हैं, यानी एक दिव्य चेतना है जो जिस फील्ड में आगे रहेगा उसमें उसे सक्सेस है। अगर इंसान ध्यान और ज्ञान करेगा तो उस फील्ड में बहुत आगे जा सकता है, क्योंकि अभी एनर्जी का लेवल बहुत हाई है, हम सभी ने इस बारे में पढ़ा है। तो अभी सबसे ज्यादा ध्यान, ज्ञान और सज्जन संगतियां की हमें बहुत ही आवश्यकता है। आगे अभी रॉबर्ट सर ने जितने क्वेश्चन थे वो सभी कर लिए, अभी वो खुद के बारे में बता रहे हैं कि मुझे अभी मौत का डर नहीं लग रहा, क्योंकि मुझे पता है कि मौत नहीं, मैं कल भी था, मैं आज भी हूँ और मैं कल भी रहूंगा, ये चीज मुझे पता है, तो मुझे मौत का डर नहीं। तो सर कहते, जब मैं ये लिख रहा था तभी मेरे डैडी, मेरे पापा की अवस्था ऐसी है कि उनकी बहुत ज्यादा सांस फूल रही है, उनसे कुछ भी हो नहीं पा रहा है, और वो अभी शरीर छोड़ देंगे या देह कल छोड़ देंगे ऐसी परिस्थिति में। तो बोलते थे कि जब मैं ध्यान में नहीं रहता था या मुझे प्री बर्थ नहीं पता चलता था तो मैं क्या सोचता था कि आपने मेरे पापा के साथ ऐसा क्यों किया, मैं यूनिवर्स से क्वेश्चन पूछता था कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। पर अभी जो ये सब अनुभव है उसके बाद में मुझे पता चला कि मेरे पापा ने स्पिरिट वर्ल्ड में ये प्लान बनाया होगा कि किसी की सेवा लेना
किसी के पास से हमारा काम करवाना कैसा लगता है, इसके लिए उनका ये वर्क प्लान है। और मैं ऐसे कभी भी मेरे पापा को आई लव यू या मैं आपसे प्यार करता हूँ ऐसा नहीं बोल पाया, पर जब मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ तो मुझे ये भाव आ रहा है कि मैं उनसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। तो इतना बोल के सर ने हमें एक मैसेज दिया है कि ऊपर का जो वर्ल्ड है, हम जिसे स्पिरिट वर्ल्ड कहते हैं, वो बहुत ज्यादा लविंग है। वहां हम ईश्वर है, हम जैसा सोचते हैं वैसा आपो आप सब बन जाता है। हमारी उम्र बहुत छोटी रहती है पर हम ऑलवेज बहुत ब्यूटीफुल दिखते हैं। तो ये और जो दिव्य प्रेम हम जिसे बोलते हैं ना कि दिव्य प्रेम है, उसका ऑलवेज हम अनुभव कर पाते हैं स्पिरिट वर्ल्ड। तो सर कहते हैं कि आप वो दिव्य प्रेम, आपकी इच्छा, आपकी धारणा, वो सभी चीज छोड़ के नीचे इस पृथ्वी पे आए हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा की उन्नति प्रगति कर सकते। तो सबसे पहले तो ये जो ब्रह्मांड है उसके लिए हम सब पूजनीय है। पूजनीय यानी बहुत ग्रेट साहस का काम करके हम नीचे आए हैं। तो ये दिव्य प्रेम और जो भी है उसे सार्थक कीजिए, अपने आप को पहचानिए कि ये हम क्या कर रहे हैं, यानी हम जो भी स्टेप ले उसे जागरूकता पूर्वक सोचिए और देखिए कि सही में ये हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए है। क्योंकि हम जब आते हैं ना तो सिर्फ ये पांच इंद्रिया बस, हमारी जो पावर होती है सब वहां छोड़ देते हैं और सब भूल जाते कि मैंने कोई प्लान बनाया था। हम इतने सारे कष्ट उठा के हम जब नीचे आ रहे हैं तो मुझे जो पीकॉक सीखना है, मैंने ऊपर से ट्राई सोचा है कि मैं पीकॉक सीख के आऊंगी तो मुझे ये सीख के ही जाना है और सभी बातों से डिस्कनेक्ट होना है जिसका मुझे कुछ काम नहीं है। ठीक है, तो सर ने इतना मैसेज दिया है कि आप अपनी आत्मा की उन्नति के बारे में ही सोचिए, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ये सर ने सब मैसेज दिए थे, अभी मैं इसमें से एकदम शॉर्ट हमें क्या लेना है, ये मेरी खुद की कैलकुलेशन है, ऐसा हो नहीं सकता है कि ये सभी को रिलेट करे, पर मेरे साथ मैंने ऐसा सोचा है कि ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि जब तक अभी मेरा मेरी जागरूकता मुझे पता नहीं है, मेरी प्री बर्थ प्लान भी मुझे अभी पता नहीं चल रहा है, तो मैं क्या करूंगी, क्योंकि मैं इतनी एनलाइटेड नहीं हूँ ना, तो मेरा इतना कोई ध्यान है कि मुझे मेरी पास्ट लाइफ दिखती। तो इजी इजी मुझे सबको सिर्फ प्यार करें। मैंने ये लेसन के बाद मेरे बारे में ये सोचा है कि मैं खुद को प्यार करूं और मैं सबको प्यार करूं, ये सबसे बेस्ट गिफ्ट है मुझे मेरे लिए। क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें वहां पे छोड़ दी है, जो दिव्य प्रेम मैंने छोड़ा है उसके लिए मेरे पास यही ऑप्शन है। क्योंकि जो भी सीखना, जो भी प्लान लेके मैं आई हूँ, पर लास्ट में लास्ट उसका यही है कि मैं सबको प्यार करूँ। क्योंकि प्यारी चीज ऐसी है कि वो देने से सभी चीज सही हो जाती, तो ये दिव्य प्यार है। दूसरा इसमें से ये सीखने जैसा है कि मेरे पास ऑलवेज मेरे दो स्पिरिट गाइड हैं, तो मुझे कुछ भी मदद चाहिए मैं एक आवाज लगाऊंगी मेरे स्पिरिट गाइड को, वो तुरंत मुझे मदद करेगी। इससे ऑलवेज मेरा मेरे आत्मा के साथ कनेक्शन बना रहेगा। थर्ड थिंग ये है, ये लेसन में बेस्ट है कि प्रेयर, ऑलवेज मुझे जो भी चाहिए उसके लिए मैं ईश्वर से प्रेयर कर सकती हूँ, पर प्रेयर ऑलवेज बेसिक नेसेसिटीज के लिए होनी चाहिए, जैसे मुझे फूड, रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब मेरा कंप्लीट हो गया है। अगर मेरे पास अच्छा है, मुझे 2 टाइम खाना मिलता है, थोड़े से ड्रेस मिल जाए और छत पे रूफ हो, तो अभी मुझे कुछ मांगना है तो मैं मेरी आध्यात्मिक उन्नति मांगूंगी। मुझे ये कार चाहिए, मुझे ये बंगला चाहिए, ये प्रेयर में वैलिड नहीं। मैं मांग सकती हूँ
पर वो ऐसा होगा कि वो महासागर देने बैठे हैं और मैं एक चम्मच लेके जा रही हूँ। तो जब प्रेयर करूंगी तो यही मांगूंगी कि ईश्वर मेरे आत्मा के लिए जो सबसे बेस्ट है वो मुझे प्रदान करो। और प्रेयर का एक रूल है कि जब आप अपने लिए प्रेयर करो उससे ज्यादा और किसी के लिए प्रेयर करो, ये सबसे बेस्ट रिजल्ट देता है। तो दूसरों का प्लान मुझे नहीं पता है और मैं उनके प्लान में इंटरफियर भी नहीं कर सकती हूँ, तो मैं सिर्फ इतना करूंगी कि हे ईश्वर, इनकी आत्मा के लिए जो सबसे बेस्ट है वो करने में इनको हेल्प। और आगे जागरूकता का मीनिंग मेरी नजर में वो नहीं है कि आप किसी चीज में बहुत सफलता पा लो, पर जागरूकता का मीनिंग ये है कि मैं कुछ चीज रॉन्ग करने से पहले अटक जाऊं। मेरे अकॉर्डिंग जागरूकता का मीनिंग ये है कि मुझे पता चलना चाहिए कि मैं कुछ रॉन्ग करने जा रही हूँ, ये मेरी जागरूकता का सबसे पहला स्टेप है। दो रोड है तो मैं, यार ये रोड करेक्ट है कि ये रोड करेक्ट है मुझे पता नहीं, मुझे रुकना है और किसी को पूछना है, इसे कहते हैं जागरूक। तो ये सभी जागरूकता के बारे में मेरे ख्याल थे जो मैंने आपको दिए। और एक खास है कि आज के सेशन के बाद हम लोग को रोज एक तो ध्यान करना है और दूसरा स्पिरिचुअल टेबलेट एक कोर्स है जो हमारी हेल्थ को प्रॉपर करता है। उसमें एक खास है कि कंसिस्टेंसी, कुछ भी काम करो आप कंसिस्टेंसी डेली करो। तो इसके बाद हमें सिर्फ एक पेज बुक का पढ़ना है, नहीं पढ़ पाते आधा, अगर नहीं आधा भी हो सकता है 4 लाइन। तो हम अगर कंसिस्टेंसी रहेगी तो हमारी हेल्थ इंप्रूव करेगी। कंसिस्टेंसी का बहुत रिलेशन है हमारी हेल्थ से वेल्थ। तो हम लोग सभी ट्राई करेंगे कि एटलीस्ट एक पेज हम रोज पढ़े, नहीं कर सकते तो आधा पेज पढ़े। तो बस मैं इतना कह के मेरी वाणी को विराम देना चाहूंगी और आप सभी का धन्यवाद, क्योंकि आप ही वो लोग हैं जिसकी वजह से मुझे ये मिला है। मैं आपको कुछ प्रदान नहीं कर रही हूँ, मैं आपसे रिसीव कर रही हूँ कि आपकी वजह से मेरे आत्मा को रॉबर्ट सर मिले और ये ज्ञान मिला है। तो मैं आप सभी का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मैम। कल के जैसा ही आज भी एकदम बोल सकते हैं कि वेरी वेरी हाईली मोटिवेशनल सेशन था, और इस तरह का मतलब क्लैरिटी एकदम क्लियर हो गई है। लाइफ की क्लैरिटी क्या है, आत्मा की क्लैरिटी क्या है, आई थिंक मुझे काफी कुछ सीखने को मिला। एक ही चीज मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ। मैं बाकी लोगों को पहले इनवाइट करूंगा पूछने के लिए, बाद में मैं लास्ट में क्वेश्चन लूंगा। बट डेफिनेटली मेरा ये मानना है कि ये यूनिवर्स ने ही दिया है हमें, जो जोड़ा है यूनिवर्स ने जोड़ के एक साथ किया है ताकि हमें इस तरह का ज्ञान मिले और इस ज्ञान को हम आगे भी फैलाएं। तो मेरे लाइफ में तो मैं ये बुक को अभी सर्कुलेट करने के पीछे पड़ गया हूँ, तो जहाँ भी देखेंगे तो एक बुक सर्कुलेट ही कर रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ। लोग कभी कभी सोचते हैं कि इनको हुआ क्या है ऑफिस में, समथिंग इज रॉन्ग, ये 90 डिग्री चेंज कैसा हो गया ये। तो डेफिनेटली नाम तो मैं देता ही हूँ कि ध्यान सागर ग्रुप और एक जितना मैम है जिन्होंने भी एक ट्रांजिशन लाया है, और खासकर उनके थ्रू जीसस क्राइस्ट भी आ गए हैं। तो बगल में मेरे एक क्रिश्चियन भी बैठता है, तो मैं बोला तेरे जीसस क्राइस्ट मेरे साथ ही बैठते हैं आजकल और मेरे साथ ही मोटिवेशनल करते हैं, तो उससे ज्यादा तुझे मुझे मेरी वाइब्रेशन फील होगी उस टाइम के बाद। बट आई थिंक उसको थोड़ा टाइम लगेगा, अभी वो बच्चा है, लेकिन आई ऑलवेज बिलीव कि उसको इसकी आत्मा को भी इसी तरह से वाइब्रेशन मिले और लोग इसी तरह से उन्नति करें अपने लाइफ में। खाली ये ना समझ जाए कि ये मेरा भौतिक शरीर है, हम
एंजॉयमेंट करने आए हैं या दुख भोगने के लिए आए हैं। दुख तो है ही नहीं, अगर हम सोच लें माइंड में कि हमारे अंदर कुछ है ही नहीं तो हम फ्री हैं। एटलीस्ट मैं रात में तो फ्री हो जाता हूँ, एटलीस्ट ये बोलता हूँ क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो टोटली फ्री। एक वर्ड ही है खाली कि कुछ नहीं हुआ, एवरीथिंग इज नॉर्मल। तो कल मुझे लगा, कल मैंने जस्ट एक ही चीज बोला कि एवरीथिंग इज नॉर्मल, बोल दो समथिंग इज एबनॉर्मल बट एवरीथिंग इज नॉर्मल, बिकॉज जीसस क्राइस्ट इसी तरह से बोल रहे हैं कि अपने आप को उसी तरह से मनाओ तो अच्छा हो जाएगा। मैम, मैं अपना क्वेश्चंस बाद में लूंगा, बट पहले मैं बाकी मास्टर से विनती करूंगा कि आप अपना क्वेश्चंस ले सकते हैं, आप अपना हैंड रेस करिए, एक तो मैं अनम्यूट करूंगा। किसी का कोई प्रश्न है मास्टर्स? रागिनी मैम, आत्मा बदनाम खबर मैम, आप आज भी आपने ना बहुत सारी चीजें क्लियर करी, और कुछ चीजें तो आज मेरे साथ हो भी रही थी जो पहले से भी वैसे हम बहुत नॉर्मल हो गए थे, बहुत अच्छा सब कुछ हो गया था, पर सच में वो सब चीजें ना आपने आज अभी वही सारी चीजें आपने बताई तो बहुत ही अच्छा था। कल ही जैसे बहुत ही अच्छा लगा, आज भी बहुत ही अच्छा था। इसको पढ़ना सही में जरूरी है, और इसको पढ़ने के बाद बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है मैम, थैंक यू। और ऐसा भी लगता है ना, हर हर दिन इतना मतलब थैंक यू थैंक यू थैंक यू होता है कि कहाँ हम कहाँ आ गए, हम कैसे कहाँ जुड़ गए हम। तो थैंक यू आप सभी का, जितने भी मास्टर्स आते हैं रामेश्वरी मैम का, हम उनकी वजह से यहाँ पे आए, और सभी जितने लोग भी यहाँ हैं सबसे कुछ न कुछ जानने को, सबसे कुछ न कुछ समझने को सीखने को मिलता है। इसलिए सभी का धन्यवाद, दिल से थैंक यू सभी को, थैंक यू मैम। हमारी यहाँ का लेवल जैसे बढ़ता है ना, वैसे लोग हम हमारी लाइफ में अट्रैक्ट करने लगते हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसे लोग हमारी लाइफ में, हम हमारा फोन देखेंगे तो पहले कौन से कॉन्टेक्ट सेव थे, अभी कौन से कॉन्टेक्ट सेव है, ये देखिएगा जरूर। ये डिफरेंस है कि हम क्या थे और हम कहाँ। हाँ जैसे ये, जैसे हाँ ये सही में समझ में भी आता है। हमारी चेतना का लेवल जैसे ऊपर जाएगा वैसे लोग हमें प्राप्त होते हैं, उनके कांटेक्ट में हम आते हैं, हमारे एक वाइब्रेशंस होते हैं, हमारे जैसे वाइब्रेशन होते हैं हम वैसे लोग को अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इस वजह से अभी आपको सभी लोग मिलेंगे, एक से एक मिलेंगे जर्नी में, आप बहुत थैंक यू अच्छे मैम, अच्छे लोग। थैंक यू। इंतजार रहेगा, बड़े से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं हम सब, सभी का। और ऐसे धन्यवाद। ग्रुप मिले हैं ना कि सच में मजा आ जाता है। वो आप है, आप ही ने सबको अट्रैक्ट किया है, आप ही ने सबको प्लान किया है। बुलाया तो हमने, हमें रामेश्वरी मैम ने है, हमें तो मतलब रामेश्वरी मैम ने आपको ढूंढा है क्योंकि आपने उन्हें कभी थॉट में बोला था। अब मैंने रामेश्वरी को मैम को नहीं पहचानती हूँ, पर मैंने कभी थॉट में बोला है कि मुझे यह सीखना है तो मैम ने मुझे ये बोला। हम अच्छा, मतलब सभी माध्यम माध्यम से मिले हैं। हम माध्यम से जुड़े हैं, हमें वो करना है, हम उस माध्यम से जुड़ते हैं, कोई माध्यम बनता है और हमें उन तक पहुंचा दे। तो कभी कभी दूसरा इंट्यूशन फील होता है, मुझे लगता है कि ये मेरे पिछले जन्म में टीचर थी, तो हिसाब से मुझे लग रहा है, क्योंकि वो जो हिसाब से गाइड करती है मैम तो मेरी टीचर ही होंगी, मुझे लगता है छोटा बच्चा हूँ ना टीचर होंगी। तो हो सकता है मैम, बिकॉज मैं इनके गाइडेंस में मैंने काफी सीखा है मैम, दैट इज व्हाट आई कैन से कि यूनिवर्स ने मिलाया है मुझे इनसे, एक डेफिनेटली कुछ स्ट्रांग बॉन्डिंग होगी। तो आई सभी को ये सोच समझना चाहिए कि रामेश्वरी मैम का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस ध्यान सागर के लिए, होते हैं। अदरवाइज सबको जुड़ना बहुत ही, हम तो ढूंढ ही रहे थे, भटक ही रहे थे, बट एक प्लेटफॉर्म पे लाके टीचर ने हमको खड़ा कर दिया, तो हम थोड़ा अब ज्ञान सीख रहे हैं, एंड ऑलवेज ट्रस्ट की यूनिवर्स ने इनको किया, और हम ऑलवेज वी ऑलवेज प्रे कि इनका इसी इसी तरह से और भी ग्रोथ हो और अच्छी तरह से स्पिरिचुअलिटी में जाए मैम। समित जी हेलो,
यहाँ पे सर मैं आप एक आठवां सर पे आप बार रागिनी जी को भी बोल दूं कि वही आध्यात्म में आप आए हैं और आप आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे जिग्ना मैम ने कहा ना कि हम जैसे जैसे चेतना का हमारा स्तर बढ़ता है, हमारी ऊर्जा बढ़ती है, तो वैसे ही लोग हमारे जीवन में आते। क्योंकि अगर आप कॉन्शियसली अगर देखे देखा जाए कि जैसे हम बोलते हैं ना, जाने अनजाने हम कुछ कह देते हैं, तो जाने अनजाने में भी आप आध्यात्म में आगे कुछ बढ़ना चाहते हैं, ऐसे मुझे मिले, ऐसे लोग मुझे आगे जुड़ना चाहिए, मैं इसमें प्रगति करना चाहती हूँ, मैं ध्यान में और लोगों को सिखाना चाहती हूँ, तो यहाँ पे क्या हो गया, आपकी एनर्जी। अब यहाँ पे सपोज मान लो दूसरा व्यक्ति जो जोड़ना चाहता है और लोगों को जोड़ना चाहता है, उसकी भी सोच, उसका थॉट प्रोसेस भी सेम, आपका थॉट प्रोसेस सेम, वो मैच हो गया तो हम मिल गए, जी है ना। तो एनर्जी थैंक वही यू होता है कि हमारा एनर्जी किस तरह से काम करता है, यही चीज है। यहाँ पे मैं भी काफी समय से टीम चाहिए मुझे, एक टीम चाहिए, एक टीम के साथ काम करना है ताकि ये ध्यान सागर को आगे बढ़ाया जाए। तो ऐसे ही मास्टर्स जो मिले, जो वाकई जेन्युइनली खुद अपने लाइफ में चेंज चाहते हैं और यूनिवर्स की सेवा करना चाहते हैं, मानव जाति के लिए काम करना चाहते हैं, तो ऐसे आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं अंदर ये सारी मैनिफेस्ट किया है, तो ऐसे हम जुड़ते जाते, यही चीज है। तो अगर इसके बजाय, अगर ध्यान सागर के बजाय कोई और ग्रुप होता तो आप वहां पे भी जुड़ जाते। तो पहला चुनाव कहाँ हो गया, वो हो गया, मोहर लग गई ऐसा है। चलिए, यस अमित जी बोलिए। हेलो आत्मानंद मैम। आत्मा मैम आत्मा मुझे पूछना था कि जैसे कि हमको ध्यान से पूरा स्वर्ग पता चल गया, मुझे चेंज करने के पॉसिबल है? अमित जी, आपका आवाज कट रहा है, आप हेलो हेलो थोड़ा नजदीक माइक को थोड़ा ठीक कर लीजिए। अमित जी, हाँ सर, हाँ रही सर। हाँ जी, आपको आपका पता, आपका क्वेश्चन मुझे सुनाई दे रहा है। आप ऐसा पूछ रहे हैं कि मुझे प्लान का पता चल गया और उसे मुझे चेंज करना है, ठीक है। तो देखिए, मैं इसका आंसर मेरी चेतना के अनुसार देना चाहूंगी। मेरी रिक्वेस्ट तो आपको यही है कि आप पूरे लेसन सुनिएगा, बाद में आपका आंसर मिल जाएगा। फिर भी मैं मेरे अकॉर्डिंग आंसर दे रही हूँ कि ये जो प्लान हम बनाते हैं वो हम कारण शरीर में जब होते तभी बने। ये भौतिक शरीर, उसके नीचे वो 7 शरीर है, जब हम कारण शरीर में होते तब प्लान बनाते। वो छोड़िए, कारण का शरीर यानी मेरा एकदम प्योर वाला रूप, स्वरूप मेरा। तो मुझे अगर वापस मेरे प्लान को चेंज करना है तो मुझे उतना प्योर होना पड़ेगा। अगर मैं उतनी प्योर बन जाती हूँ तो मैं मेरे खुद को, खुद के प्लान को चेंज कर सकती हूँ। तो अभी उसके लिए मुझे ध्यान, ज्ञान और सज्जन संगत की आवश्यकता है। अब मुझे पता चल जाएगा कि मैं प्योर हो गई, मैं सबको माफ कर सकती हूँ, मैं सबको प्यार कर सकती हूँ, तो मेरा प्लान आपको आप चेंज हो जाएगा। और दूसरी बात कि अगर मैं वो चेंज नहीं कर पा रही हूँ तो मैं इफ स्वीकार कर लूंगी कि हाँ ये मेरे साथ हुआ है, मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ, इसमें से जो भी लेसन लेना था मैंने ले लिया है, तो मेरा प्लान खुद ब खुद बदल जाएगा। ये मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस किया है। जो इंसान आपको सपोज परेशान कर रहा है या आपकी बॉडी में कुछ दर्द है, तो यूनिवर्स को इतना बोलना है हाँ जो मेरा प्लान था वो मैं समझ गई हूँ, मैंने वो एक्सपीरियंस कर लिया है, तो प्लीज अब मुझे फॉरगिव करिए। तो वो आपकी जिंदगी से वो इंसान निकल जाएगा या सुधर जाएगा या आपकी हेल्थ प्रॉपर हो जाएगी। तो आपको पहले उस स्थिति में आना होगा, कारण शरीर जैसे कि प्योर होना है बस, तो मुझे इसके लिए प्योर होना पड़ेगा। आपको ध्यान ज्यादा करना है और ज्ञान ज्यादा लेना है, यही मेरे अकॉर्डिंग इसका रास्ता है। थैंक यू सर आपने मैम मैम वन मोर थिंग। एवरी टाइम जब सोल आती है कुछ इंक्रीज होता है, 0.5%, 20% ही रहता है अपना अपना सोल। ये। हेलो
हाँ सर, तो एवरी टाइम 0.5% इंक्रीज होता है, जब पूरा कंप्लीट इंक्रीज होने के बाद तो सोल की जर्नी क्या होगी? देखिए पूरा इवॉल्व हो जाएगा तो वो जो परम चेतना है उसके साथ जुड़ जाता है। पर अगर कोई कोई हाईली इवॉल्व सोल है जैसे जेशुआ, वो पूरे के पूरे हो चुके हैं पर फिर भी वो आके औरों की हेल्प कर रहे हैं, तो वो इवॉल्व होके भी उनकी जर्नी है, उनकी चॉइस है कि उनको क्या करना है, तो वो बहुत आगे की बात है। तो इवॉल्व होने के बाद वो खुद की चॉइस रहती है सोल की कि अब मुझे क्या करना है। थैंक यू सर। थैंक यू यहाँ पे मैम। मैं एक चीज ऐड करना चाहती हूँ कि मैंने पत्री जी का एक वीडियो सुना है जिसमें पत्री जी ने कहा है कि सोल प्लान ऑलरेडी एक प्लान के हिसाब से एक ब्लूप्रिंट तैयार होती है, उस हिसाब से हम मिलकर जो एक मीटिंग जैसे होती है वैसे एक सोल का, देखो आपको ये करना है, हमारे जो गाइड्स होते हैं, चॉइस हमारी रहती है कि हमने क्या चुनाव करना है, बस वो एक सजेशन देते हैं जो गाइड्स हमारे साथ होते हैं, लेकिन सोल प्लान पत्री जी ने कहा है कि चेंज नहीं कर सकते, डिले कर सकते हैं। अगर आपको आपका सोल प्लान पता चल गया है कि इस जीवन में मैं ये प्लान करके आया हूं, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस समय इसको नहीं करना चाहता, तो आप उसको डिले कर सकते हैं। वो कैसे? थॉट के माध्यम से। पर जो सोल प्लान है उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर आप पीएमसी में एक बार सर्च भी कर लेना, पत्री जी ने एक वीडियो इस पे भी है, पत्री जी का वीडियो, तो यही है कि प्लान चेंज नहीं हो सकता है लेकिन डीले कर सकते हैं। ओके okay. जी प्रियंका जी, थैंक यू मैम। पहले तो ये बुक बहुत ही अच्छी है और मुझे एक स्टोरी के जैसे सुनती हूँ तो बहुत अच्छी लगती है। दूसरा, रामेश्वरी मैडम ने हम लोगों को जोड़ा है ना, तो इनकी वजह से मैंने अपनी दो तीन बुक जो है, मुझे ABCD नहीं पता थी क्योंकि धार्मिक तो मैं बहुत थी पर मैं आध्यात्मिक नहीं थी, और धार्मिक पे जो भी कर्म कांड होते हैं उन पर मुझे बहुत ट्रस्ट था और आध्यात्मिक बिल्कुल नहीं थी मैं। पर जब इसमें आई हूँ उसके बाद मुझे पता चला है कि सब चीजें थॉट से होती हैं, और जब मैंने जो यहाँ पर किताब हुई है वो, या दिन में जो सेशन होते हैं उसमें किताब पढ़ती हूँ, तो अब उस आडंबर को मैं इरेज कर रही हूँ कि नहीं वो आडंबर था, ये हमारा थॉट है। तो कहीं ना कहीं मैं जिसमें धार्मिकता में थी वो भी एक सुकून ढूंढ रही थी, इसीलिए आप एक माला बढ़ा लो, एक चालीसा बढ़ा लो कि मुझे सुकून मिल जाता है, इस सुकून के लिए इस मंदिर चले जाओ, पर वो सुकून नहीं मिलता था जो यहाँ पर आके मुझे आज 2 महीने 2.5 महीने से जो सुकून मुझे मिल रहा है कि नहीं, जो चीज मैं पढ़ती थी वो मेरा प्रॉपर काम आ रहा है, जो मैंने बचपन में पढ़ाई की थी कि नहीं वो ऐसा वंडरफुल है, ये है वो है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब एक सुकून पा रही हूँ, कभी कुछ गुस्से में कभी हो जाती हूँ, कभी थोड़ा बहुत तो अवेयर हो जाती हूँ, अरे इतना गुस्से में हो रहे हो, मुंह से निकलने वाला था, ऐसा नहीं निकलना है, ऐसा नहीं करना है, जबकि मुझे केवल 2.5 महीना हुआ है। और रामेश्वरी मैम की तो आवाज ऐसी है कि मैंने कभी कॉल भी किया होगा तो उन्होंने हेलो कहा होगा, तो जैसे एक पानी उबलता है ना उस पे किसी ने बर्फ डाल दिया वो ऐसा हो गया। ये बात मेरी सिस्टर भी कहती है कि कभी अगर तुम्हें बहुत गुस्सा हो ना तो तुम एक बार मैम को केवल कॉल कर लेना, वो जैसे ही हेलो बोलेंगी तो उस टाइम तुमको लगेगा कि क्या कोई बात थी क्या, मैं किस कह रही, वो उनका बहुत तारीफ करती है, अरे तुम एक दिन करके देखना ऐसा ही होगा। मतलब क्या है, हम लोग यहाँ पर इतने इकट्ठे हुए हैं और उनकी वजह से मैंने इतनी किताब की है, उन्होंने मुझे कर्म विभाग बताया, मैंने वो किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं आपको भी बहुत थैंक यू बोलूंगी इतनी अच्छी किताब देने के लिए, रामेश्वरी मैडम को भी थैंक यू बोलूंगी, यहाँ पर सभी को थैंक यू बोलूंगी, और मैं रामेश्वरी मैडम से एक प्रेयर भी करना चाहूंगी कि उन्होंने कहा है कि
एक उससे प्रेम करो वो किताब प्रतिभा मैम से कराएंगी, ये कहा था उन्होंने, तो मैं चाहती हूँ वो किताब प्लीज प्रतिभा मैडम से वो किताब कराएं। कौन सी किताब की बात कर रहे हैं आप? खुद से प्रेम कीजिए मिरर वर्क। अच्छा, हाँ, जरूर जरूर याद है मुझे, मिरर वर्क का ना। हाँ मैम, क्योंकि एक वो बुक भी संकल्प वाली बुक, वो इस ई ग्रुप में हो सक मतलब पॉसिबल है, मुझे आप ही कराएंगी सारी बुक, ये तो मुझे ट्रस्ट है, क्योंकि मैं जितना भी ऊपर जाऊंगी वो आपकी ही वजह से जाऊंगी। मेरे वजह से नहीं जाएंगे, आप चाहते हैं तो जाएंगे। ठीक है, तो जो मुझे बुक आप एक कह रहे सुकून हैं, मिलता है। हाँ जो बुक कह रहे हैं मिरर वर्क का जो बात हुआ था, वो हम देखेंगे कि ऑलरेडी है, हम आगे जो प्लान चल रहे हैं उस हिसाब से जैसे प्रेरणा मिल रही है, जैसे हमको भी गाइडेंस मिल रहा है, उस अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन है जो आप कह रहे हैं वो बात प्रतिभा मैम से हम कर लेंगे। ठीक है, ओके, मैंने प्रतिभा मैम को भी ये एक इंस्टाग्राम मैसेज में भी कहा, मैम हमको वो बुक कराएं, क्योंकि वो बुक मैंने पूरी पढ़ रखी, पर उसका जो ध्यान होता है वो, कि मैम ने वो कैन फील योर लाइफ कराई थी ना, तो मुझे लग रहा है बहुत अच्छा, और अभी जितना मैम मैं करा रही है इसके बाद संकल्प शक्ति भी उनको कराएंगी ये। हाँ लेकिन वही चीज़ है। अभी देखिए जो जिग्ना मैम और इनका पूरा टीम हमें जो बताना चाहते हैं इस बुक के माध्यम से, उसे ध्यान से सुनिएगा। ये हमारी ही प्लानिंग, प्री बर्थ प्लानिंग के बारे में है, हमें अपने ऊपर क्या काम करना है, कैसे वो प्रेम हमारे भीतर जो ऑलरेडी है, जो हम अभी भी थोड़ी थोड़ी सी खटास रखते हैं, उसे भी निकालना है। कितना वो प्रेम से पूर्ण हमको होना है, वो चेंजेस लाते जाना है। तो देखिए, इससे पहले भी हमारे कुछ स्वाध्याय हो चुके हैं, उसके जरिए आपने क्या चेंजेस लाया वो नोटिस कीजिए, है ना। अभी आगे हम इस पुस्तक के माध्यम से और कितना, जितना आपके समझ में जा रहा है, आपको जितना उतार पा रहे हो उसके अकॉर्डिंग काम कीजिए। क्योंकि डेली रूटीन में तो आपको वही काम करना है, इस भौतिक जीवन में आए हैं, इस भौतिक शरीर में रह रहे हैं, तो अपने सराउंडिंग में जो सारी चीजें हो रही है उस समय आप किस तरह से रह रहे हैं, वो चीजें आपको देखना है कि कितना मैं लिमिटेड सोच रही हूँ क्या, या फिर मैं अगर कुछ चीज ऐसी मेरी सिचुएशन मेरे मेरे अगेंस्ट जा रही है तो उस समय मैं कैसे बिहेव कर रही हूँ, है ना। फिर किसी के प्रति अगर आप कुछ कंपैरिजन कर रहे हैं, उसको और उसको मुझे लेकर कुछ कंपैरिजन कर रहे हैं, यही सारी चीजों पे हमें काम करना है, बाकी कुछ नहीं। जब इस सारी चीजों पे काम करके एक प्योरिटी लेवल पे आप पहुंच गए, तो वो चीज है, वो शून्यता, वो परम चेतना से एक होना, वननेस में आना, ताकि यहाँ पे जितने लोग हैं हम एक, सारे एक ही हैं। तो उस वही तो सर भी समझा रहे, सारे मास्टर्स यही समझा रहे हैं, द्वैत से अद्वैत में आना। तो जिसके लिए द्वैत भी जरूरी है, तो द्वैत इसीलिए है ताकि हम अद्वैत में आ सके, वननेस में आ सके। तो सीखना है क्यों जिग्ना मैम, बोलिए आगे आप, मैंने बोल दिया। नहीं मैम, नहीं मैम, थैंक यू मैम, धन्यवाद मैम, आप बोलिए, बहुत मस्त बोल रहे थे। हाँ तो ये चीज है प्रियंका जी, तो यही सारी चीजें हैं जो हमें यहाँ पे सीखना है, इसीलिए सारे सेशंस हो रहे हैं। मैंने पहली बार यहाँ आके ही द्वैत अद्वैत ऐसे ऐसे शब्द सुने हैं जो मैंने पहले नहीं सुने थे, सच कह रही हूँ। मैंने केवल माला चालीसा पाठ ये सब सुना था, और मैं करती भी थी, धार्मिक बहुत थी, पर एक अध्यात्म में ये आप ये नहीं करो, एक बहम था, नहीं इतना इतना ऐसा करना है, ऐसा होना है, पर अब वो जितने बहम थे अंदर के, जितने ब्लॉकेज थे, वो इन 3 महीनों में थोड़े थोड़े, मैं नहीं कहूंगी पूरे नहीं हटे हैं, पर हाँ 20 से 30% तक हट गए हैं, और मैं अवेयर रहती हूँ। अब मैं अगर अपने बच्चे को डांटती भी हूँ ना, कि पहले मैं बहुत लेवल का डांटती थी, जैसे हमको बचपन में डांटा गया है कि आज डांटा जाता है कि मूंगफली बेचोगे, ऐसे करके पढ़ोगे नहीं, ऐसे, वो चीज खत्म हो गई है। अब उसको उसके पहले एक्टिव बॉयज में बोलते थे, अब पैसिव बॉयज में बोलते हैं कि तुमको आगे बढ़ना है इसलिए पढ़ना है। वो चीज जो एक्टिव वॉइस में सीधे बोलते थे नहीं पढ़ोगे तो तुम ऐसा करोगे, अब उसको
अपनी भाषा में सुधार हो गया, अभी 30%, अभी तो मुझे अपने ऊपर 70% काम करना है। पर हाँ, यहाँ आके अवेयर बहुत हो गई हूँ, इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। यस मैम, अगर ये जो मैसेज है वो बता रहे हैं कि 7 डेट से पीएमसी गुजराती जो दोपहर में वर्क कर रहा है वो गुजराती में मिरर वर्क लेके आ रहा है। तो आप अगर गुजराती में कर पा रहे हो तो बेटर है, तो आप इसमें ज्वाइन हो। ओके ओके मैम, मैम, ओके। हमको आती, अगर ज्वाइन भी कर लूंगी तो मैं केवल बैठी रहूंगी क्योंकि मैं समझ नहीं पाऊंगी। ओके मैम, धन्यवाद मैम। कुछ नहीं मैम, रामेश्वरी मैम हमें यहाँ करवा देंगे मिरर वर्क। जी, बिल्कुल। चलिए, थैंक यू प्रियंका जी, थैंक यू जी। शिव प्रकाश जी, आगे कंटिन्यू करिए। और किसी मास्टर्स का कोई प्रश्न है तो फिर मैं अपना प्रश्न लूंगा। हाँ, सबका हो जाएगा तो। हाँ ये बोलिए, आपका बोलिए। ठीक है, आई थिंक मैं दो क्वेश्चन ही पूछूंगा मैम। हम जैसे भौतिक जगत में हैं, हम कुछ प्लान करते हैं कि मुझे जम्मू एंड कश्मीर जाना है घूमने के लिए या कुल्लू मनाली जाना है घूमने के लिए, तो मुझे प्लान रहता है तो मैं वहां जाके भूल जाऊंगा तो मैं करूंगा क्या? तो इस तरह से जब आत्मा पूरा प्लान करती है ऊपर कि मुझे यहाँ आना है और ये सब चीजें सीखना है, तो अगर हम भूल जाएंगे तो हमको पता कैसे चलेगा? और हम पता कर रहे हैं वो तो भाई यूनिवर्स हमको कुछ ना कुछ करवा रही है। तो उसी तरह से जैसे, तो भौतिक में जैसे मैंने बताया कि हम जा रहे हैं, हमने प्लान किया है और प्लान किया और हम जैसे बोलते हैं ना, वो एक बार और बताया था विक्की बेदी मैम ने, गजनी बन गए हम लोग यहाँ पे आने के बाद, कि भूल गए हम। फिर हमको धीरे धीरे गजनी से याद आता है कि ये मेरे लाइफ में ये घटना हुआ है। तो इतना मतलब मुझे कभी कभी ये लगता है कि ये अत्याचार है या हमारे ऊपर क्या किया है यूनिवर्स ने, कि सही है या क्या है। बट यस डेफिनेटली, अभी मैं वो लेवल पे नहीं समझ पा रहा हूँ, बट ये चीज तो आप लोग हंस रहे हैं तो मुझे पता है आप लोग ज्यादा जानते हैं। आप लोग ये जानते होंगे पक्का, इसलिए मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ताकि सबके लिए बेनिफिशियल रहे कि क्यों है ऐसा हमारे साथ। क्योंकि इतना अगर पता हो जाए, 10% भी पता रहे, तो हम आके थोड़ा अच्छे से प्लानिंग करेंगे ना। मतलब अभी प्लानिंग ही पूरा किया है और वहां से प्लान करके पूरा आया और सब भूल गए यहाँ पे आने के बाद। तो वो तो वही हुआ ना कि अरे जा रहे हो और क्या हुआ मेरे साथ, क्या मैं कहाँ पहुंच गया। जैसे नहीं होता है याददाश्त खत्म चली गई तो मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, किस लिए आया हूँ, तो ऐसा क्यों होता है मैं? रामेश्वरी मैम, आप आंसर दें। जब पता होता तो मजा कहाँ आता ये सारी चीजों का। तो फिर आप बोलते, अरे ये तो मैं तो महान सोलू, करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो सब वेस्ट है। तो असली मजा तो वो अनुभव में है ना, गिरो पड़ो मरो फिर सीखो। हाँ मैम, बट आप ये प्रैक्टिकलिटी में नहीं समझ नहीं आता है, बिकॉज अभी यहाँ पे भी यही चीज एप्लीकेबल है कि मैं वहां जा रहा हूँ और मुझे, मैं भूल जाऊँ तो मुझे क्या क्या एंजॉयमेंट करूंगा मैं, गिरो पढ़ूंगा क्या एक्सपीरियंस लूंगा मैं। तो डेफिनेटली दिस इज समथिंग स्पिरिचुअल लेवल का एक्सपीरियंस है जो मैम बोल रही है, मुझे समझ में आ रहा है। और मैंने कहीं पढ़ा भी, शायद भगवद गीता में कहीं एक जगह लिखा भी है जो अभी भी मुझे पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ। वो बताता भी है, बताते भी है कि आने का पर्पज है कि अगर आपको पता चल जाएगा कि आपकी लाइफ के बारे में आपको क्या होने वाला है, जैसे आप बचपन में हो और आपको बचपन में किसी ने, किसी कीड़े ने काटा है या कुछ हुआ है आपके साथ और आपको अभी भी पता रहेगा, तो आप उस पेन को अभी भी महसूस करोगे। तो सॉर्ट ऑफ थिंग्स ऐसा है कि अगर मुझे सारा चीज पता रहेगा तो मैं हमेशा पेन में रहूंगा, अगर मेरे पास पेनफुल कंडी सिचुएशन रहेगा तो मैं हमेशा पेन में रहूंगा, हैप्पीनेस सिचुएशन रहेगा तो मैं हमेशा हैप्पीनेस रहूंगा। बट डेफिनेटली देर आर बहुत सारी आत्माएं हैं जिनकी लाइफ हमें नहीं पता, बट वो हमेशा खुश रहती हैं, चाहे वो गरीब हो या मेरे मेरे मेरी मेड आती है उसको भी मैं बताता हूँ, तो भी उसको भी बोलता हूँ, उसके चेहरे पे मैंने कभी दुख देखा ही नहीं है, वो हमेशा हंसती हुई आती है। उसके पापा गुजर गए, वो
बोलते हैं मेरा भाई भी गुजर गया, मेरे साथ ये भी हो गया, फिर भी हंसते हुए आती है। तो आई लर्न अ लेसन फ्रॉम हर ऑल्सो, मतलब उससे भी सीखा हूं मैं कि किस तरह की आत्माएं होती हैं जो ये लेवल पे भी अपने आप को वो रखती हैं और खुश रहती हैं, और कुछ तो होते हैं कि सब कुछ होने के बावजूद भी नहीं खुशी होती है। तो डेफिनेटली जो रामेश्वरी मैम बोल रही हैं, इट मेक्स सेंस कि गिरोगे मरोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा क्या करना है ना मैम। जब कुछ चीजें बाकी रहेगी तो ही हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। अब मुझे पता है कि पेपर में क्या आने वाला है तो वो सब मैं फटाफट लिख दूंगी, तो फिर वो मजा नहीं है। हम भूल जाते तो उसका कितना बड़ा रीजन होगा कि हम भूल जाते। अभी मैंने प्लान किया कि मुझे अमेरिका लेसन सीखना है, ठीक है, मुझे बहुत रिच होना है। मैंने ये लेसन समझो, मुझे ये, मैंने ये प्लान किया है। तो मैं वहां से जब आऊंगी ना तो मैं टोटल पुअर फैमिली में आऊंगी, टोटल पुअर, जिनके पास दो टाइम खाना है या नहीं है। तो अगर मुझे पता है कि मुझे अमेरिका लेसन सीखना है तो मैं क्या करूंगी? अरे मुझे तो पता है मैं अमेरिका लेसन सीखने वाली हूँ, मैं एक दिन कर दूंगी। अरे ऐसा नहीं, मैं भूल जाऊंगी तो मैं सोचूंगी मैंने गरीबी क्यों है, मेरे पास क्यों गरीबी है, सब लोग इतने पैसे वाले तो मैं क्यों गरीब हूँ। तो मैं इतनी मेहनत करूंगी, मेरा दिमाग लगाऊंगी, जो पॉसिबिलिटी से मैं सब करूंगी और मैं एक दिन अमीर बनूंगी। तो जो मैं वो स्ट्रगल पीरियड मेरा होगा वो मेरा अनुभव है, जो अमीर बनना है वो मेरा अनुभव नहीं है। जो वो स्ट्रगल करके वो ऑनियन रहता है उसका एक एक ऊपर का पील निकलता है तब जाके ऑनियन रहता है, तो वो जो स्ट्रगलिंग पीरियड है ना वो मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। और आत्मा ज्यादा करके विपरीत परिस्थिति में आती है। अगर मुझे सीखना है कि मुझे इमोशनली इंडिपेंडेंट बनना है, तो अगर मुझे पहले से पता है मुझे इमोशनली इंडिपेंडेंट बनना है तो मैं मेरे लाइफ में वो सिचुएशन नहीं क्रिएट करूंगी। तब मैं क्या करूंगी कि पहले एक अच्छे हस्बैंड से शादी करूंगी, उससे मेरा अच्छा रिश्ता होगा, फिर मुझे क्या पता नहीं कि उसके साथ मेरा डिवोर्स होगा और उनसे सेपरेट हो जाऊंगी, और फिर मैं मेंटली इमोशनली इंडिपेंडेंट बनूंगी। तो ये जो सब जो प्रोसेस है ना वो नहीं होगी। मुझे पता ही है मुझे ये क्या करना है, तो मैं सोचूंगी नहीं मैं आप जैसे हस्बैंड के साथ शादी करके ये सब लेंथी प्रोसेस क्यों करूं, मैं मुझे पता है मेरा प्लान क्या है, मैं डायरेक्ट इमोशनली हो जाकर प्रॉपर हो जाऊंगी। तो जब पता है तो करने में चीज मजा नहीं है, तो मजा के लिए ईश्वर ने हमें सब भुला के यहाँ पे भेजा है। तो ये सब प्लान, ये मेरे अकॉर्डिंग आंसर है, और आंसर बहुत तरीके से हो सकते हैं। नहीं, आई थिंक क्लियर है। इनफैक्ट भौतिक में भी अब जो मैं अप्लाई करूंगा कि प्लान ही नहीं करूंगा, अपने आप ही जाऊंगा, तब वो सरप्राइज रहेगा। आई थिंक हमने देखा भी है ऐसा कि कहीं हम सरप्राइज जाते हैं ना, उसका मजा कुछ अलग होता है एज कम्पेयर टू प्लान करके जाते हैं। डेफिनेटली दिस मेक्स रियल सेंस होता है। एक और है क्वेश्चन मैम कि कोशिश बहुत करते हैं हम जैसे भौतिक जगत में हैं अपने आप को कंट्रोल, जैसे आपने बोला कि हमें इमोशंस को फील करना चाहिए, बट वो इमोशंस फील करने का मौका ही नहीं मिलता है, रिफ्लेक्शन आ जाता है उसमें। जैसे किसी ने बोला, कुछ बोला और सेकेंड्स में नहीं लगता उसके ऊपर तुरंत रिएक्शन हो जाता है। मतलब आपने बोला, किसी ने कुछ बोला, जैसे मैं तो काफी चीज ये सब चीजें झेलता हूँ, रोज ही झेलता हूँ, मतलब रोज मेरे लिए लाइफ में नए होते हैं, बट डेफिनेटली यहाँ से चेंज होके गया हूँ मैं। अब रोज अपने आप को मॉर्निंग से इवनिंग में ये बोल के जाता हूँ कि आज खाली 2 बार डांटूंगा किसी को या 1 बार डांटूंगा, तो वो फ्रिक्वेंसी 10 से 8, 8 से 4, 4 से 3, 2, और करते करते अभी 2 तक आई है, 3 तक आई है, बट डेफिनेटली धीरे धीरे वो पूरी कम हो जाएगी, बिकॉज नेचर ऑफ जॉब जो बोलते हैं ना, एक आर्मी वाला जॉब बोल सकती है, अब उसको वहां पे जाके गन तो चलाना ही है तो क्या करेगा, वो कुछ नहीं कर सकता, ही हैज टू फाइट विद दैट गन। तो उसको कहा, उसको धीरे धीरे कम करने का ट्राई किया है, बट वो रिफ्लेक्स जो बोलते हैं ना, हम को टाइम ही नहीं मिलता अपने भावनाओं को समझने का। यस, आफ्टर होने के बाद तब हम रियलाइज करते हैं, अरे ये समथिंग सीरियस हो गया है, रॉन्ग हो गया है, नहीं करना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था, वो फीलिंग भी आती है। तो मैम इस चीज को भी अगर आप कुछ बताएंगे ना, या लाइट कुछ करेंगे कि इसको कैसे कंट्रोल करें, या हो भी गया ना तो भी मुझे समझ में आता है कि एक्सेप्ट कर लिया, तो आई बिलीव कि वही मैं पूछना चाहता था कि आई बिलीव कि आई हैव डन 90% ऑफ द जॉब। तो आप अगर वो उस पे स्टैंप लगा देंगे तो भी मैं उसको इम्प्रूव करने का ट्राई तो करूंगा, बट डेफिनेटली
और भी कुछ बताएंगे तो उसको और भी अच्छे से करने का कोशिश करूंगा आप दोनों लोगों से, बिकॉज दोनों ही ज्ञानी हैं हमारे मैम बोली इसमें। रामेश्वरी मैम आपको आंसर करेगी, फिर मैं ट्राई करती हूँ। ये मेरे शायद से फोन पे भी बात हो चुकी थी इस बारे में, है ना, आपने ये पूछा भी था मुझसे। तो यही चीज, वही अभी जैसे मैंने प्रियंका जी को भी वही चीज बताया है, जो चीज जहां पे जरूरी है वो तो करनी है। अगर आपको जैसे घर में बच्चा अगर शरारती है तो आपको ऐसे नहीं है कि माँ मारेगी नहीं करेगी नहीं, नहीं, अगर थप्पड़ मारना जरूरी है तो उस पे थप्पड़ मारना है। तो वैसे ही आपके ऑफिस में भी है, जहाँ आप एक हाई पोजीशन पे है और जहाँ आपके एम्प्लॉय के साथ कुछ भी मिस्टेक वो करते हैं, तो जहाँ आपको डांटना है तो वो आप कीजिएगा, लेकिन उस डांटने के बाद वापस आप रिग्रेट मत कीजिएगा। वही नहीं हो रहा है मैम, वही चीजों हाँ, तो वो को जो आप रिग्रेट, बताई थी ना वही चीज। हाँ, तो वो चीज नहीं करना है और उसे पकड़ के नहीं रखना है उस समय के लिए। सपोज सामने आप मेरे सामने हैं और जैसे मैं आपकी बॉस हूं, मैं आपको डांट रही हूँ, डांट कर वो टॉपिक वहीं पे खत्म कर देना, एंड हो गया, उसके बाद आप दूसरे काम के लिए लग गए। अगर उसी चीज को, अरे मैंने उसको सुना दिया, मुझे नहीं सुनाना चाहिए था, मैं थोड़ा शांति से कंट्रोल कर लेता था अपने आप को, ये चीज नहीं करनी। हाँ, तो ये चीज नहीं करनी। एक बार जो चीज निकल गई है मुंह से वो निकल गई, उसको वहीं पे छोड़ दो, डांटने की एक्टिंग। प्रीति जी कह रही है डांटने की एक्टिंग करनी है। वो ज्यादा जो वो तो और बड़ी टीचर है हमारी, मेरे लिए तो वो बता रही है डांटने की एक्टिंग कर रहा है, बट मैम वो बता रहा हूँ ना, फीलिंग्स मेरी है। और रामेश्वरी मैम को भी मैंने बहुत बार पूछा है और ये क्वेश्चन तो मैं बार बार पूछ रहा हूँ। द रीजन इज दैट कि इससे मैं भी मैसेज लेना चाहता हूँ और हर मास्टर्स को भी मैं बताना चाहता हूँ कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग है, बिकॉज मैं नहीं, ये जानना चाहता नहीं, अभी आपने चीज कर ली, डांट दिया, हो गया। अब आप अपने, अगर आपका केबिन है तो आप आपके केबिन में आइए, खुद रिलैक्स हो जाइए, सांस लीजिए, शांति रखिए, अपने ऊपर काम कीजिए उस समय कि हो गया, ठीक है, शिव प्रकाश आपने डांटना था, आपने वो काम कर लिया, क्योंकि उनकी वो गलती थी, मुझे उन्हें बताना था, मेरा काम मैंने वहां पे खत्म किया। वो आपका कार्य, आप कर रहे कर्म, वहां पे कर्म आ गया कि आप वहां पे अपना कार्य कर रहे हैं, जहां चीज आपको समझानी है, जहां चीज आपको बोलनी है वो आपने बोल दिया। उसके बाद भी आप में वो गुस्सा या वही एंगर, वही अग्रेशन जैसा चीज अभी भी है, तो अपने कैबिन में जाकर अपने आप को वही श्वास ब्रीथिंग के ऊपर ध्यान देना है। हो गया, वो चीज हो गया, ठीक है। ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर वो आपने पकड़ कर ले लिया तो फिर वही जैसे मैम ने कहा कि आज दिन भर में सारी चीजें हो गई, रात को सोने से पहले सबको माफ कर दो, सबसे माफी मांगो और सो जाओ, नहीं, यही वो वही चीज है। वो डेफिनेटली मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ। मेरी फीलिंग्स, इमोशनल फीलिंग्स तो इसी तरह से है कि आई ऑलवेज ट्राई टू मेक द थिंग्स, जो सुनता हूँ उसको करने का प्रैक्टिस भी करता हूँ, बट डेफिनेटली लॉन्ग वे टू गो, मुझे कुछ और करना रहेगा, आप लोगों का ही सपोर्ट चाहिए रहेगा डेफिनेटली मैम। आपने बिल्कुल, जो बताया रामेश्वरी मैम, और अच्छा है कि प्लेटफॉर्म पे उनको बार बार पिंग करता रहता हूँ मैं, तो मैम को बार बार मुझे याद दिलाती रहती है कि गजनी वाला जो सीन है ना वो वापस मुझे याद दिला देती है, अरे नहीं यू हैव टू फॉलो दिस पार्ट। सो थैंक यू वेरी मच रामेश्वरी मैम, दिस इज जी, रियली थिंक, ओके। बट भूल जाता हूँ मैं, भूल जाता हूँ इसीलिए पूछ रहा हूँ बार बार मैं। अभी जैसे जिग्ना मैम ने भी बताया ना, ये प्रैक्टिस भी सभी मास्टर्स बताते भी हैं, जैसे बुक में भी बोला कि दिन भर में जो भी चीज, जितने लोगों से भी आप मिले हैं, जाने अनजाने में आपने कुछ किसी को बोल दिया है या कुछ हो गया है, तो रात को सोने से पहले वही चीज, किसी को अगर मैंने दुख पहुंचाया है तो मैं उन सभी आत्माओं से क्षमा मांगती हूँ, और अपने आप से भी क्षमा मांगना है कि जाने अनजाने मैंने भी कुछ कर दिया है, तो मैं अपने आप से भी माफी मांगती हूँ, माफ करती हूँ, ऐसा करके। यस जिग्ना मैम, आगे आप कंटिन्यू कीजिए, आगे बोलिए। कंटिन्यू करूं सर या ठीक है, फिर भी अगर ऐसा हो रहा है तो हम इंग्लिश में कहावत पढ़ते हैं कि थिंक ट्वाइस बिफोर यू स्पीक, क्या लिखा था तू? तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो हमें उनको बोलने से पहले दो बार सोचना है कि मैं ये क्या बोल रहा हूँ। उसके बाद हमें अगर बोलना ज्यादा जरूरी है तो हम बहुत पोलाइट वर्ड में बोल सकते, पर वर्ड पोलाइट होना चाहिए और हमारा भाव प्योर होना चाहिए,
कि मैंने उनको किसी अच्छी वजह से डांटा है, और दूसरी बात यह है कि हमें रिप्लाई नहीं करना है, हमें रिस्पॉन्ड करना है। कुछ भी चीज घटित हो रही है तो तुरंत रिप्लाई नहीं करना है, 2 मिनट माइंड को ब्रेक देना है, फिर सोचना है कि सही में इसकी गलती थी, तो इसे रिस्पॉन्ड बोलते। जो लोग ध्यान ही रहते हैं वो 2 मिनट के बाद आंसर देते हैं, और जो ध्यान में नहीं होते तुरंत से बोल जाते कि ये क्या क्या। तो बस सिर्फ रिप्लाई नहीं करना है, रिस्पॉन्ड करना है, इतना ही है अकॉर्डिंग टू मी। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। आई थिंक दोनों मिलके इट बिकम्स रियली ए मिक्स एंड मैच। मेरे लिए अभी मैं मॉर्निंग में पहले तो एफर्मेशन ही लेता हूँ। आई थिंक मैं सभी चीज ले रहा हूँ मॉर्निंग में, एवरीडे मैं बताता हूँ ना, एफर्मेशन लेके यही चीज करके जाता हूँ, और जो अपनी फ्रिक्वेंसी को जिसको धीरे धीरे कम कर रहा हूँ, और डेफिनेटली 70% ऑफ द बैटल इज वॉन, मतलब जीत चुका हूँ मैं, अपने आप में मुझे फील होता है, न्यू चेंज दिखता है इस इंसान में, और अपने आप को भी मैं मिरर में देखता हूँ तो मुझे लगता है डेफिनेटली समथिंग चेंज हैज हैपेंड। बट यस, आप लोग जो बताया मैम, डेफिनेटली दोनों लोगों की का व्यू पॉइंट एक ही जाके एक ही जगह एक ही रोड है, दोनों जगह सेम ही जाता है, रास्ता तो एक ही है, बट यस डिफरेंट पाथ है, बट डेफिनेटली थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, जिसको बोलती है ना रामेश्वरी मैम बात बात, कि आपको अपने आप में ही मेहनत करना पड़ेगा, यू डोंट हैव टू वर्क आउटसाइड। सो मुझे इनसाइड मेहनत करना है, आई नो, मैं रोज करने का ट्राई करूंगा। अब कल का दिन भी, आज का दिन मैं एंथुसियाज्म में जाऊंगा, तो कल आज रात में अच्छे से सोऊंगा तो कल का मॉर्निंग अच्छा ही होगा, अच्छा ही रहेगा। सो एवरी डे इस मतलब मैं मेरे हिसाब से मैं तो बोलूंगा मैम, दिस इज रियली अ लाइफ टर्निंग स्वाध्याय। सारे स्वाध्याय इसी तरह से है, और ये कैसे हो रहा है, रामेश्वरी मैम ने किया है, कैसे किया है, आई डोंट नो, ये एक लिंक बना हुआ है। आपको पता होगा मैम कि ये ऐसे बन रहा है ना, जैसे आए हम, मैं जब आया तो यू कैन हील योर लाइफ, मतलब आप अपने आप को हील करिए बाय अफर्मेशन। आपको कुछ भी नहीं सोचना है कि आप क्या हो कैसे हो, नो बडी नोज कि क्या है वो, यू कैन हील योर लाइफ में, यू कैन जस्ट गिव ए पॉजिटिव अफर्मेशन टू योर सेल्फ। फिर आया आपका स्वाध्याय जो आप और वंदना मैम का साथ में आया है, तो आपके स्वाध्याय में ये आया कि यू कैन हील योर लाइफ का नेक्स्ट पार्ट क्या है, आप अपने आप को हील कर रहे हो, लेकिन क्यों कर रहे हो, व्हाट इज द पर्पस, बिकॉज यू आर ए सोल। तो आपका सोल पर्पस है, आपका सोल पर्पस आप यहाँ पे पूरा करने आए हो, आपको उसको पूरा करने का है, और वो पूरा किस तरह से करोगे आप, तो डेफिनेटली हील योर लाइफ को साथ में लेके ये स्वाध्याय अगर दोनों को जोड़ेंगे तो एक ही बात हो जाता है। और थर्ड जो आनंद करुणेश का भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है, वो भी इसी पार्ट में है, इसी चीज को वो भी बता रहे हैं कि हम तो आत्मा ही है, हम तो आत्मा ही है, वी आर ऑल सोल, एंड अगर हम सोल हैं तो हमको पहले समझना पड़ेगा कि हम हैं ये, एंड यू हैव टू रिपीट यूर सेल्फ कि हम हैं 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 हैं, 10 बार बोलेंगे तो भी समझ में नहीं आएगा तो 10,000 बार बोलना पड़ेगा, बट डेफिनेटली बोलेंगे तो हो जाएगा। तो आप बताइए ना इसमें कहाँ चेंजेस मुझे दिखता ही नहीं है। यू कैन हील योर लाइफ, योर सोल्स गिफ्ट, और ये जो आनंद करुणेश का है, ये तीनों एक ही रोड एक ही रास्ते के थ्रू एक ही डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, एंड डेस्टिनेशन क्या है, फ्रॉम 3D to 5D, जो कौन सी मैम थी अपनी, मिकी बेदी मैम और सोम सर ने बताया है कि आपको अभी ये डायमेंशन चेंज का इट्स ए वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर यू, कि अभी आप चेंज, अभी नहीं तो कभी नहीं, मिकी बेदी मैम ने बोला था, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो ये चीज मैं सबको बताना चाहता हूँ कि ये तीनों स्वाध्याय हमारे यूनिवर्स हमको दे रहा है कि हमको साथ में जोड़ रहा है, और तीनों एक ही है, अभी समझ में आ रहा है मुझे, तीनों एक ही है, रॉबर्ट स्कॉट बोलिए या लुइस एल हे बोलिए या आनंद करुणेश सर बोलिए, सब एक ही है, और अगर हम तीनों को एक साथ पढ़ेंगे, पढ़ते जाएंगे ना, तो डेफिनेटली एक एनलाइटनमेंट में तो जाएंगे, डेफिनेटली ध्यान के बिना तो नहीं समझ में आता, बिकॉज मैं ध्यान करने के बाद मैं पढ़ता हूँ दो चैप्टर या जो भी एक चैप्टर है, तो ध्यान से पहले तो कुछ समझ में नहीं आता, ऑफिस ही खाली समझ में आता है कि ऑफिस में क्या हुआ, तो उसको करने के बाद थोड़ा सा समझ में आता कि मैं ऑफिस से बाहर हूँ एंड आई हैव सम डिफरेंट रोल टू प्ले इन दिस वर्ल्ड। तो विद दिस आई एम रियली थैंकफुल टू यू मैम, रामेश्वरी मैम, आपको वेरी वेरी थैंकफुल प्रेयर टू मी फ्रॉम माई साइड, और ध्यान सागर का तो मैं एक मेंबर हूँ, ध्यान सागर तो ग्रुप आपने स्टार्ट किया, आपने सबको एनलाइटमेंट जोड़ा है, सभी लोग एनलाइटेंड हो रहे हैं धीरे धीरे,
चीजें अच्छी हो रही हैं सभी की लाइफ में। मुझे तो नहीं लगता कि किसी की लाइफ में कुछ नेगेटिव हो रहा है। तो एवरी डे से पॉजिटिव विद पॉजिटिव थॉट्स एंड पॉजिटिव। जब मेरे घर में चेंजेस आ रहा है, मेरी बेटियां बेटी तक चेंज हो रही हैं, चीजें पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, डेफिनेटली समथिंग इज न्यू इज कमिंग। पिरामिड तो अपना चमत्कार कर ही रहा है एंड थिंग्स आर हैपनिंग। तो सारे सभी मास्टर्स जितने आए हैं, आए दिल से धन्यवाद करते हैं कि कुछ ना कुछ सिखा के अच्छा चीज बताया है। थैंक यू जिग्ना मैम, थैंक यू वेरी मच। रागिनी जी कुछ कहना चाहते हैं? जी रागिनी जी, बस मैं ये कहना चाह रही हूँ, आज का ध्यान भी बहुत अच्छा हुआ। मैं बहुत दिन से मैं ये सोच रही थी कि ऐसा ध्यान क्यों नहीं हो रहा है, कि जैसे मैं पीछे सामने की तरफ लटक जाती थी पूरा, और पता नहीं कहाँ खो जाती थी। आज तो एकदम से अलग से ही ध्यान आया, बहुत ही अलग से ही ध्यान हुआ, और बहुत अच्छा ध्यान हुआ। मैं यहाँ भी थी, जहाँ बैठी थी यहाँ भी थी, और ध्यान में भी थी। और पता नहीं, सच में बड़ा अजीब सा ध्यान था, अलग सा ध्यान था, और बड़ा अच्छा सा था। बस खुश ध्यान खुद को की आज बहुत शाबाशी दो, खुद अच्छी को शाबाशी दो फिर। हुई। थैंक यू, थैंक हाँ बस चलिए, थैंक यू वेरी यू मच थैंक मैम, यू थैंक यू धन्यवाद। मास्टर्स, थैंक यू जिग्ना मैम, थैंक यू सो मच। ज्यादा समय ले धन्यवाद, लिया आज आपका हमने, थैंक यू। कल धन्यवाद, लव यू ऑल। मिलते हैं मास्टर्स। यस।